प्रधानमंत्री के नाम का इस्तेमाल कर कोल उद्यमी के 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाले अंतर्राज्यीय रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस रैकेट के सूत्रधार मयंक कुमार उर्फ दक्ष अग्रवाल और कथित पत्रकार पीयूष पुरोहित को गिरफ्तार किया है। उनके साथ ही संजय बघेल और संजीत बघेल को भी आरोपी बनाया गया है। पीड़ित कोल वॉशरी चलाते हैं और पीयूष एमपी के एक स्थानीय साप्ताहिक तथा पोर्टल का नागपुर प्रतिनिधि है। संजय बघेल और संजीत बघेल संपादक है। तीनों काफी समय से कोल उद्यमी के खिलाफ खबरें दे रहे थे। खबरें चलाने से रोकने पर वह उद्यमी से 1 करोड़ रुपए की मांग करते थे। उनसे तंग आकर उद्यमी ने दीवानी न्यायालय में केस दायर किया था। नवंबर 2020 में कोर्ट ने आरोपियों को उद्यमी के खिलाफ खबरें प्रकाशित नहीं करने का आदेश दिया था, फिर भी खबर देना जारी रहा। दिसंबर से पुरोहित और बघेल की पैसों की मांग बढ़ गई थी। इसी बीच दक्ष अग्रवाल के उद्यमी और उनके भांजे को फोन आने लगे। उनसे खुद को केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का ओएसडी बताया गया। उनसे उद्यमी को आपकी कोल वॉशरी को लेकर कोयला मंत्रालय में शिकायतें आ रही है, इससे उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी कहा गया। हर्ष अग्रवाल ने वाइप तकनीक से व्हाट्सएप कॉल किया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के हवाले से ही कॉल आया है। उद्यमी ने दक्ष हर्ष अग्रवाल को पुरोहित और बघेल द्वारा उगाही के लिए झूठी शिकायतें करना बताया। अग्रवाल उद्यमी को मामला निपटाने की सलाह देने लगा। उसने उद्यमी से 10 लाख रुपए की मांग की। लगातार उगाही से तंग आकर उद्यमी पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार से मिले और उन्हें पूरी जानकारी दी। दक्ष अग्रवाल बेंगलुरु में गर्लफ्रेंड के साथ पठान मूवी देख रहा था। उसने पेटीएम से टिकट बुक किया था, इससे पुलिस को उसकी सीट नंबर भी पता चल गई। पुलिस ने मूवी देखने के दौरान ही उसे पकड़ लिया। रात का वक्त होने से गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया गया। उसके कृत्य में गर्लफ्रेंड के भी लिप्त होने का संदेह है। दक्ष होटल में रहता है, उसे भी 2-3 दिन में छोड़ देता है। उसने कई राज्य में बड़े उद्यमियों को ठगा है। पुलिस आयुक्त ने पीड़ितों से शिकायत कराने की अपील की है। एक नागपुर के व्यापारी को ने एक फिरियाद दिया है, जिसमें 4 आरोपियों के विरुद्ध एक्सटॉर्शन और अलग अलग कायदे के कलम के अंतर्गत गुनाह दाखिल किया गया है। इसमें जो आरोपी नंबर 1 है पीयूष पुरोहित, वो अपने आप को पत्रकार बताता है। वो एक राष्ट्रमान नाम से कुछ प्रिंट या कुछ ब्लॉग चैनल ऐसा चलाता है, ऐसा वो बताता है, और वो उसमें कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी लिखान की वहाँ वक्तव्य करके विक्टिम पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद इसमें कुछ आरोपी, जो एक बैंगलोर से आरोपी लाया गया है दक्ष अग्रवाल, वो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके विक्टिम को संभ्रम दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो एक वरिष्ठ मंत्री के का ओएसडी है, और ये बता करके वो इस प्रकरण में खन्नी वसूल करने का कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इसमें 2 आरोपी को अरेस्ट किए हैं, इसमें और भी अरेस्ट होने की संभावना है। अभी तक टोटली इसमें खन्नी की डिमांड 1 करोड़ की थी। जो FIR रजिस्टर्ड है वो 4 लोगों के विरुद्ध है। 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, बाकी 2 जो नाम FIR में, उनके रोल्स इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। इन 4 के अलावा और भी इस रैकेट में शामिल होने की संभावना है। इस तरह इस प्रकरण में और भी विक्टिम्स आगे सामने आने की चांसेस है। मैं ये भी लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि किसी को इस प्रकार की अगर एक्सटॉर्शन थ्रेट या डिमांड हुई है तो वो जरूर पुलिस के पास आए, हम उस केस को सॉर्ट आउट करेंगे। NBC न्यूज के लिए अखिलेश के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।